बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी। अब सबसे पहले तो मैं इन चारों में फर्क आपको बताना चाहती हूँ। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपके वोट धर्म और जाति के आधार पर मांगते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपके सामने आते हैं, कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई दोनों की बात करके आपसे वोट लेकर आपसे सत्ता चाहता है। और चौथी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो ना आपका धर्म पूछ रही है ना आपकी जाति पूछ रही है, सिर्फ ये कह रही है कि हम आपको विकसित बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, हम चाहते हैं कि ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं बेरोजगार ना हो, इन्हें रोजगार मिले, हम नहीं चाहते कि यहाँ से पलायन हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाकर कहीं और किसी बड़े उद्योग में किसी दूसरे जिले प्रदेश में आपको नौकरी ढूंढनी पड़े, हम चाहते हैं कि यहाँ को यहाँ की यहाँ उद्योग बने, यहाँ पे आपको नौकरी मिली, यहाँ पे आपको रोजगार मिले। हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरी बहनें सशक्त बने ताकि इन पर अत्याचार घटे, इन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये भी कमा पाए, ये भी शिक्षित हो। किसानों के लिए भी हम कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आपको सारी सुविधाएं मिले, ऐसे कानून ना आए इस देश में जिससे मेहनत आप करें और फायदा कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति करे। चुनाव में हमने ये देखा कि जो प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव, वो हमेशा इस बात को कह रही हैं कि विकास की बातें नहीं हो रही है, रोजगार की बातें नहीं हो रही, महंगाई की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से चल रहा है आने वाले समय में कांग्रेस बहुत बड़े मुद्दे के साथ वो वापस आएगी और अच्छा काम करेगी। आप मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी पहल कर रही हैं, जो असली मुद्दों को लेकर आ रही है? बिल्कुल है, उनका ये जो नारा है लड़की यूं लड़ सकती हूँ, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी ठोस बातें रखनी चाहिए, कुछ उसी ठोस कार्य भी करने चाहिए, कुछ अलग कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है वो खत्म नहीं हो रही है। भाजपा आ रही वो भी वही काम कर रही, सपा आ रही वो भी वही काम कर रही है। बहुत अच्छी बहुत बहुत अच्छी बात आपने की कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए।